का हमारा टॉपिक है एक्सपेंशंस, और बेसिकली ये टॉपिक क्लास नाइन्थ का है, तो नाइन्थ के स्टूडेंट्स इसको देखें और जिसको टेंथ में नहीं आता है वो उसको देखें। तो बेसिक लेवल का क्लास है ये, इसको समझें। इसमें मैं आईटीजे के क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि नाइन्थ के स्टूडेंट्स को समझ में आए कि एक्सपेंशंस कैसे किए जाते हैं। तो देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में नहीं करने जा रहा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करने जा रहा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी। अब जरा इसको एक जगह कलेक्ट करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू कॉमन ले लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? 125। तो यहाँ पर 125 रख दीजिए यहाँ पर 125। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 50 दिया गया है, तो क्या करिए, रख दीजिए 50। इसको सॉल्व कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना है? 125 प्लस 15 टू 200, तो दिस इज 100। 125 प्लस 100 इज व्हाट? 225। तो ये कितना हुआ? 225। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225। जब ये 225 है, आपको क्या चाहिए? आपको ए बी सी की वैल्यू चाहिए। क्वेश्चन यही तो था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 125 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी की वैल्यू 50 है, तो आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। अब ये इसका स्क्वायर है, वैल्यू निकालनी, अंडर रूट ले लीजिए, दोनों साइड में रूट ले लीजिए। तो ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 15, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ 15, ये 15 का स्क्वायर है। तो ये आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करना आना चाहिए, नाइन्थ के स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए और जो सीनियर स्टूडेंट्स हमको भी आना चाहिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए प्लस बी माइनस सी की वैल्यू दी गई है 5, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 29। तो अब आपको ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी की वैल्यू चाहिए। तो अब इसके लिए आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन नहीं करना, इसके लिए आपको a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन करना है। ये सब दिखने में सरल लग रहा है लेकिन ये है कठिन। तो जरा a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर ओपन करिए, तो ये क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। स्क्वायर तो नेगेटिव होने नहीं है, प्लस जो a और b वाले टर्म है ये पॉजिटिव रहेंगे, 2ab माइनस, और जितने सी वाले टर्म है वो नेगेटिव हो जाएंगे, माइनस टू ए सी माइनस टू बी सी। ये ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। अभी मैंने क्या खोला था? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खोला था, ये ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है। अब जरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू कॉमन ले लीजिए ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। आपसे ए सी की वैल्यू तो पूछ रहा है और ये वैल्यू दी गई है 29। आप सब पुट कर दीजिए, इसकी जगह 29 रखना, रख दूं, दिस इज 29। और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 29 प्लस दिस, और इसकी वैल्यू आपको दी गई है 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 प्लस दिस। तो 29 को उधर ट्रांसफर कर लीजिए, ये 25 हो गया, 29 इधर ले आइए, 25 माइनस 29 इधर से हटा दीजिए, तो 25 माइनस 29 इज इक्वल टू 2, दिस मच। अब ये 2 है, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 25 माइनस 29 माइनस 4 और 2 माइनस 2, तो माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट? ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, निकल आई वैल्यू
तो मैंने दो स्क्वायर ओपन किए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और दोनों का आपको एप्लीकेशन दिखाएं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत बेसिक एप्लीकेशन है, a माइनस बी सेवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 85 दिया गया है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकाल दीजिए। अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पहले आपको मालूम होना चाहिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब ऑब्वियसली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब जब आपने फॉर्मूला लगा दिया तो ये बताइए कि ये तो दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, चाहिए क्या? ये अगर मिल जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको अब ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे? ए बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको गेस करना पड़ेगा कि आप इसमें क्या मैनिपुलेशन कर दें। ये क्वेश्चन देखने में इजी लग रहा है, इजी नहीं है। आप ए बी की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है तो वहां से ए बी निकल आएगा। इसका होल स्क्वायर करते हैं, ए इसमें हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए और ए माइनस बी की वैल्यू सेवन दी गई है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 85 दी गई है। अब हमको ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे? ए बी की वैल्यू निकालने के लिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब इसकी वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमको दी गई है कितनी, 85, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, ए माइनस बी की वैल्यू रख दीजिए कितनी, 7, तो ये हो गया 49। तो दिस इज 49, उसको इधर ले आइए, 2ab इज इक्वल टू 85 माइनस 49, तो 50 और 60, 70, 80, 85, 36, 2ab is equal to 36, तो ab is equal to what, 18, दूसरे वर्ड कर दिया, अब ए बी की वैल्यू 18 आ गई, अब यहाँ पे रख दीजिए, अब आपने यहाँ पर रख दिया, तो a cube minus b cube की वैल्यू कितनी आ गई, 7, multiplied by 85 plus 18, अब आप a cube minus b cube की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 8 and 15, सम इज 8, प्रोडक्ट इज 15, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर क्यूब्स। सिंपल फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के फॉर्मूले को आप कैसे लगा पाएंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाने के लिए x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, तो दिस इज x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, x प्लस वाई ये आपने लगा दिया। अब यहां से आपको x क्यूब y क्यूब मिल रहा है, तो ये x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अब x प्लस वाई वैल्यू कितनी दी गई है, 8, तो दिस इज 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू उसकी वैल्यू कितनी दी गई, 15, और x प्लस y की वैल्यू कितनी दी गई है, 8, तो दिस इज व्हाट, x क्यूब प्लस y क्यूब। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 कॉमन ले लीजिए, 8 स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब, 64 माइनस 45 is equal to x cube plus y cube। अब 64 में से 45 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 55, 65, 90, 90 into 8, आंसर आ गया आपका x cube plus y cube।
चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, ये जो वैल्यू होती है ये क्या होती है? आप कहेंगे हमको क्या पता क्या होती है, ये होती है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जो है वो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अभी देखिए बहुत एलिमेंट्री लेवल है तो इन चीजों को ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा हायर लेवल पर इसको ऐसे लिख दिया जाता है, ये एडिशन है ना, तो इसको सिग्मा ए लिख देते हैं और इसको सिग्मा ए स्क्वायर माइनस सिग्मा ए बी लिख देते हैं, तुरंत याद हो जाता है। सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा ए का मतलब है तीन नंबर से, सिग्मा ए का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और ए स्क्वायर का मतलब है सिग्मा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी का मतलब है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और सबके बारे माइनस लगा हुआ है। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका रट्टा मारिए, फॉर्मूला है ये। तो फॉर्मूला है, अब बात ये है कि दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी। अब क्वेश्चन ये है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तीन नंबर हमने ऐसे सिलेक्ट किए कि तीनों का सम जीरो हो जाए, तो ये बहुत एलिमेंट्री लेवल का ट्विस्ट आता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो तो बताइए a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन ये है, आपको ये थोड़ी ना दिया जाएगा, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला होता क्या है, ये मैंने आपको बताया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी का फॉर्मूला ये होता है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो अब ये तो फॉर्मूला है ही, आपको याद करना पड़ेगा। अब जब ये फॉर्मूला है और साथ में दिया गया है कि अब क्वेश्चन हमारा शुरू होता है कि कंडीशन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो बताइए ए स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी की वैल्यू कितनी होगी? जैसे ही आपको ये कंडीशन दे दी जाए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो फॉर्मूला कौन सा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, क्योंकि ये जीरो होते ही ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो होते ही पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी जीरो हो जाएगा। अब जब ये जीरो हो जाएगा तो इसको उधर शिफ्ट कर दीजिए, ये थ्री ए बी सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब ये थ्री ए बी सी हो जाएगा तो अब जरा आप इसको पूरे एक्सप्रेशन को ए बी सी से डिवाइड कर दीजिए डिवाइड, ए क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी सी प्लस सी क्यूब अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू थ्री ए बी सी अपॉन ए बी सी। अब ए बी सी तो नंबर से काट दीजिए, नॉन जीरो है। अब ये क्या है, ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, ये बी से बी स्क्वायर कट जाएगा, सी से सी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ गया, वही आ गया जो हम चाह रहे थे, ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए सी ए बी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू व्हाट, थ्री। हम तो यही तो पूछ रहा था इसकी वैल्यू कहाँ, ये ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है। तो जब भी कभी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये नाइन्थ की बात नहीं हो रही है, ये क्वेश्चन बहुत हायर लेवल पर यूज होते हैं, तो जब भी कभी आपको दे दी जाए कि तीन नंबर का सम जीरो है, तो तीन नंबर के सम का जीरो का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है यहाँ पर। अगर ये तीन का सम जीरो है तो इसका मतलब साफ है कि ये ब्रैकेट जो है जीरो होने वाला है, और ये ब्रैकेट जीरो होने वाला है मतलब क्या है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब थ्री ए बी सी के बराबर होने वाला है। इसका मतलब क्या है, इसका भी कुछ मतलब है, इसका क्या मतलब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बाई थ्री ए बी सी के इक्वल होने वाला है, यानी कि तीनों नंबर्स का क्यूब का अरिथमेटिक मीन उन तीनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होने वाला है। अगर आप ये बात समझ पा रहे हैं
अगर ऐसी कंडीशन है तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो हमारा फॉर्मूला बेसिकली क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए बी ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब आप कहेंगे हम कैसे याद करें, स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से, कैसे याद करें। अरे इसको याद वाद कुछ नहीं करना है, ये तो मैथमेटिक्स का बेसिक है। देखिए ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। चलिए इसको होल स्क्वायर बनाते हैं, खाली इसी से निपट लेते हैं पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ऊपर टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टू से डिवाइड भी करना पड़ेगा, कर दिया कर दिया। अब ये टू को अंदर ले जाइए तो ये क्या हो गया, टू ए स्क्वायर हो गया। तो टू ए स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और टू बी स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे तो टू है ही, ऊपर वाला टू अपना काम कर रहा है। और सी स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए बी को मैं क्या लिख दूं, माइनस टू ए बी, और बी सी को मैं क्या लिख दूं, माइनस टू ए बी सी माइनस टू ए सी। यही तो है, ये यही तो है, केवल ये चीज और ये चीज एक ही लिखी हुई है, ये और ये एक ही चीज है। अच्छा तो लिखा क्यों है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ले लीजिए, क्या हो गया ये, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए सी ले लीजिए, तो क्या हो गया ये, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी ले लीजिए, तो ये क्या हो गया, बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन टू। ये और ये एक ही चीज है, जब ये और ये एक ही चीज है तो क्यों ना मैं इसकी जगह यही लिख दूं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू। अब आप कहेंगे हम कैसे याद रखते हैं इसको, अरे ये साइक्लिकल ऑर्डर में नंबर है, ए बी सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, या ए माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ए बी सी तीन नंबर लीजिए और साइक्लिकल ऑर्डर में उनके होल स्क्वायर कर दीजिए और उसको टू से डिवाइड कर दीजिए और एक ब्रैकेट में उनका समेशन लेकर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी। अब इसको कैसे याद रखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी, अरे तीन नंबर्स का क्यूब है, सिंपल फंडा है, ये तीन नंबर्स का क्यूब है और ये तीन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लाइड बाई थ्री, यहाँ सब थ्री का ही काम हो रहा है, थ्री नंबर्स मल्टीप्लाइड है, थ्री से मल्टीप्लाइड है और सबके थ्री थ्री पावर लगे हैं, इसके बाद तो याद हो जाना चाहिए। तो हमें याद हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और ए बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन टू। तो वो होल स्क्वायर ऑफ द नंबर्स था, साइक्लिकल ऑर्डर में तीन नंबर्स लिए हैं, अरे परम्यूटेशंस में तो एन एन नंबर लिए जाएंगे, यहां तो खाली तीन नंबर लिए हैं मैंने। चलिए तो आप समझ गए होंगे कि मैंने मजाक किया था, ये बहुत हाई लेवल का क्लास है, इसलिए ये सब बड़े लेवल पर भी यूज होता है, तो जो कुछ नाइन्थ में पढ़ाया जाता है वो सब आगे भी यूज होता है, जो सिक्स में पढ़ाया जाता है वो आई टी में आता है, हमको ठीक से आना चाहिए, बस बात आने की है। चलिए एक बहुत सरल सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत लोग कैलकुलेशंस को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस की खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है, मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंस होती है कि आप स्टेप्स को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। इनटू 14 इनटू 14 86 इनटू 86 इनटू 86 प्लस 14 इनटू 14 इनटू 14 माइनस 86 इनटू 14 14 इनटू 14, ठीक है सरल है, मल्टीप्लाई कर लिया जाए इसको, मुझे पूरी उम्मीद है क्लास 9 के स्टूडेंट्स में भिड़ जाएंगे मल्टीप्लाई करने में, इसमें भिड़ना नहीं है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। चलिए लगाते हैं, तो ये क्या है, लेट x इज इक्वल टू 86 एंड लेट y इज इक्वल टू 14, x को 86 मान लीजिए और y को 14 मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, x क्यूब
ऊपर क्या हो गया वाई क्यूब, नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और वाई स्क्वायर, एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस 86, ये प्लस है माइनस 86 इंटू 86 और प्लस 14 इंटू 14 बनेगा ही नहीं, नहीं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस 14 इंटू 14 है ठीक। तो अब ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अब जरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको इससे काट दीजिए नॉन जीरो है ना, क्या बचा एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है 86 वाई क्या 14 आंसर क्या 100। चलिए एक और एप्लीकेशन देखते हैं, ए प्लस बी तीन नंबर्स को जोड़िए और दो को जोड़िए और तीसरे को डबल कर दीजिए, अगर ऐसा है तो फिर बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एट सी क्यूब इज इक्वल टू 6abc। अब यहां पर बहुत लोग सोचेंगे कि ये जीरो है तो वही वाला फॉर्मूला लगाए जो अभी डिस्कस हुआ है, यहां तीन नंबर का सम जीरो नहीं हो रहा है, यहां दो नंबर और थर्ड नंबर को डबल करके जीरो हो रहा है, इसलिए आप वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो आधे घंटे परेशान रहेंगे निकलेगा नहीं, तो क्या करें हमको चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब और साथ में 8c³, 8c³ कैसे हो सकता है, ये उधर चला जाए 2 का क्यूब 8 होता है, c³ हो जाए और इधर भी क्यूब कर दे तो काम बन सकता है, दिख रहा है यहां से कर सकते हैं, चलिए करते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 2c, दोनों साइड में क्यूब कर दीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस 2c का होल क्यूब, तो आप a प्लस बी का होल क्यूब इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू 3ab a प्लस बी और ये चीज है माइनस 8c³। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहां पर a प्लस बी की जगह वैल्यू रखिए क्या माइनस टू सी इज इक्वल टू माइनस 8c³, तो ये क्या बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब 2 3 6 माइनस 6abc इज इक्वल टू माइनस 8c³, इसको इधर ले आइए उसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए 8c³ और उसको उधर ले जाइए 6abc, अरे यही तो प्रूफ करना चाहते हैं, केवल आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया और क्यूब कर दिया तो हर जगह जीरो होने पर वो नहीं करना है, जब तीन नंबर्स का सम जीरो आपको दिखे तब वो करना है जो उसके पहले डिस्कस हुआ है, अदरवाइज आपको आइदर क्यूब करना है या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। चलिए एक और बड़ा इजी सा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन इतना इजी है कि ओरली हो जाएगा, इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं, dx माइनस 4y माइनस 6 इसकी वैल्यू जरा निकालनी है कितनी हो, तो क्या मल्टीप्लाई कर दें, अरे नहीं ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन एक ही है a माइनस 2 a माइनस 6, मान लीजिए कि 3x माइनस 4y a है तो आप क्या है? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फैक्टर कर दीजिए, वैल्यू निकल आएगी, a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 6a प्लस 12, तो ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12, अब ए स्क्वायर क्या है 3x माइनस 4y का स्क्वायर माइनस 8a क्या है 3x माइनस 4y प्लस 12 निकल आएगा। चलिए एक और बहुत इजी सा क्वेश्चन करते हैं,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 101 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालिए। अरे इसको 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, जो नियरेस्ट होल स्क्वायर हो वहां राउंड ऑफ करके सॉल्व कर लीजिए। 100 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इनटू 100, ये कितना हो गया 10,000 प्लस 200, 10,200 आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 997 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालते हैं, मल्टीप्लाई ना करिए। 997 का स्क्वायर, तो ये 1000 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा क्या 1 लाख माइनस 1 लाख प्लस 9 माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1000। जब आप उसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये तो हो गया 1 लाख, और इसमें से ये 6000 घट जाएगा तो ये 94000 हो जाएगा, और 94000 में आप 9 ऐड कर दीजिए तो 94009 वैल्यू आ गई हमारी। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो आपको प्रूफ करना है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। यहां पर फिर वो नहीं करेंगे, जीरो दिखने से थोड़ा ना, ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, तो यहां पर फिर वो नहीं करेंगे, आपको ये प्रूफ करना है। तो ये आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे, इससे शुरू करेंगे, इससे ये प्रूफ करना, इधर से शुरू करेंगे, शुरू करके पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, क्यूब किया था, यहां पर आप स्क्वायर करेंगे तो काम बनेगा। तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस सी कर दें, या माइनस बी है तो उसको उधर ले जाइए, 2a प्लस सी इज इक्वल टू बी। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका होल स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। अब इसका स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू b स्क्वायर। मुझे तो ये और वो एक ही दिख रहा है, 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये प्लस है, क्वेश्चन में प्लस है। तो 4a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac इज इक्वल टू 0, तो स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं, सन लग गया था, तो क्लियर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सिंपल एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, डबल डिजिट एक्सपेंशन, ट्रिपल डिजिट एक्सपेंशन। x प्लस वाई की वैल्यू 8 दी गई है और x माइनस वाई की वैल्यू 2 दी गई है आपको, और आपसे कहा जा रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर की वैल्यू निकाल दीजिए। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल दीजिए, तो कैसे निकाल पाएंगे, x दो नंबर्स का एडिशन दिया है और दो नंबर का सब्सट्रैक्शन दिया गया है, तो क्या आप इसकी वैल्यू समझते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें मालूम क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो ये और ये एक ही चीज है। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का मीनिंग क्या है, x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y का होल स्क्वायर, यानी हमको x प्लस y का होल स्क्वायर प्लस x माइनस y का होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अरे ये जब इसका इक्वल है और इसकी वैल्यू पता है तो वैल्यू तो मिल गई, अब क्या मिलने के लिए रह गया 2 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 64 प्लस 4 आंसर 68। तो अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस जो हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, से आपको एक्सपेंशन कुछ क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।